तो फाइनली दोस्तों आज मेरे पास है Infinix Zero X जो कि Infinix की तरफ से काफी बेहतरीन स्मार्टफोन निकल कर आया है। और सिर्फ यही नहीं, ये Infinix की तरफ से अभी तक का सबसे बेस्ट स्मार्टफोन लग रहा है। तो Infinix ऐसे ही तीन स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है जो कि है Infinix Zero X, Infinix Zero X Pro और एक और Infinix Zero X Pro Plus हो सकता है। तो दोस्तों जिसमें से हमारे पास Infinix Zero X आ गया है तो आज हम करेंगे इसी स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि इस स्मार्टफोन में और क्या कुछ देखने को मिल जाता है। तो वीडियो में एंड तक बने रहें और आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करें ताकि मैं आगे भी आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो ला सकूं। दोस्तों इसमें ऊपर की तरफ Infinix की ब्रांडिंग नजर आ रही है, तो चलिए जल्दी से इसे अनबॉक्स करते हैं। तो जैसे ही दोस्तों हम इस बॉक्स को ओपन करते हैं, फर्स्ट में हमें हमारा स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है जो कि काफी बढ़िया कैमरा लेंस के साथ देखने को मिल रहा है और देखने से पता चल रहा है इसकी काफी यूनिक डिजाइन दिख रही है। तो दोस्तों इसमें हमें 108 मेगापिक्सल का काफी पावरफुल कैमरा देखने को मिल रहा है। तो अभी इसे मैं साइड में रख देता हूँ, साथ ही इसमें मुझे एक एडेप्टर देखने को मिल रहा है तो इसे भी मैं साइड में रख देता हूँ और इसी के साथ में एक टाइप सी केबल देखने को मिल रही है। तो ये सभी चीजें देखने को मिल रही हैं इस बॉक्स के अंदर। तो चलिए आप देख लेते हैं क्या कुछ हमें इस स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलता है। तो दोस्तों क्या कुछ रहेगी इस स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस, डिस्प्ले और इसकी कैमरा क्वालिटी, सभी कुछ मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे पहले इसकी लुक एंड डिजाइन के बारे में। तो डिस्प्ले की बात करूं तो इसमें 6.67 इंचेस की सुपर एमुलेटेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो कि हमें पंच होल डिजाइन के साथ देखने को मिलती है। तो दोस्तों देखने में ये थोड़ी कर्व एजेस डिस्प्ले लग रही है और साथ ही इसकी डिस्प्ले काफी स्मूथ और इसमें जो कलर्स देखने को मिल जाते हैं डिस्प्ले के अंदर वो भी काफी कमाल के हैं। तो दोस्तों इसे देखने पर डिस्प्ले में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं लग रही। तो अब चलते हैं इसके कैमरा की ओर। तो इसके रियर में देखने को मिल जाता है हमें 108 मेगापिक्सल का कैमरा और साथ ही इसकी सेल्फी की बात करूं तो इसमें 32 मेगापिक्सल की सेल्फी शूटर का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। वहीं इसमें AI का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। तो और भी इसकी कैमरा क्वालिटी की बात करूं तो इसकी लो लाइट या डे लाइट की बात करूं दोनों में ही इसकी क्वालिटी काफी अपग्रेडेड लग रही है। और दोस्तों बात करूं अगर इसके प्रोसेसर की तो इसमें हमें MediaTek Dimensity 800 का चिपसेट देखने को मिल रहा है जो कि एक 5G सपोर्टेबल चिपसेट है जिसमें कि आप फ्री फायर, पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे हाई ग्राफिक्स गेम इजीली रन कर पाएंगे। तो इसमें गेम खेलने में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, इसे आप हाई ग्राफिक्स पर सभी गेम खेल सकते हैं। दोस्तों इस प्राइस में ये एक बेहतरीन गेमिंग फोन भी हो सकता है। तो दोस्तों इस बार Infinix की तरफ से ये काफी धमाल कमाल का स्मार्टफोन निकल कर आया है जो कि हमें गेमिंग में भी काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है। और अगर बैटरी की बात करूं तो इसमें 4000 मेगाहर्ट्ज की बैटरी देखने को मिल रही है और साथ ही दोस्तों इसमें हमें 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है जो कि एक कमाल की बात है, जिसके साथ ये काफी अच्छा बैटरी बैकअप देखने वाला है। और वहीं दोस्तों बात करूं इसके प्राइस और लॉन्चिंग डेट के बारे में तो इसकी प्राइस आपको 19,000 से 20,000 तक देखने को मिल सकती है। और साथ ही बात करूं इसके लॉन्चिंग डेट की तो ये स्मार्टफोन सितंबर में रिलीज हो जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग प्लीज हमें कमेंट करके बताएं और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।